नमस्कार, हमारी खास पेशकश पाकिस्तान पर विराट स्ट्राइक में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मुकाबले की घड़ी अब बेहद नजदीक आ चुकी है। आज होने वाले इस महामुकाबले का इंतजार हर कोई कर रहा है। दुबई में शाम को 7:30 बजे से मैच शुरू होने वाला है। मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली संभालेंगे, तो वहीं बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी। भारत पाक के बीच इस मुकाबले को हमेशा से ही रोमांचक तरीके से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का हाई वोल्टेज होना स्वाभाविक है। आज होने वाले इस मुकाबले में भी गेंद और बल्ले के बीच रोमांचक जंग देखने को मिलेगी। मैच से पहले ट्विटर पर भारत और पाकिस्तान के फैंस के बीच कड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है, और ये भिड़ंत मैदान में क्या रूप इख्तियार करती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जहां पर मैच को लेकर तमाम भारतीय खिलाड़ियों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया की जीत के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों में यज्ञ किया जा रहा है, क्योंकि ये खेल रनों का खेल नहीं है, स्कोर का खेल नहीं है, ये जज्बातों का खेल है। तो पाकिस्तान में भय, लेकिन भारत की जीत बिल्कुल तय है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे अरसे बाद T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ करने वाला है। हालांकि बाबर आजम जो कप्तानी पाकिस्तान की टीम की करेंगे, उनका यह कहना है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम उतरेंगे और यहां पर जीत हमारी ही होगी। लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो कोई भी 50 ओवरों का वर्ल्ड कप या फिर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं की है। देखिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है, जहां पर आज तक हर मैच में बड़े मुकाबले आईसीसी मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी है, और आज भी कुछ ऐसे ही इतिहास को दोहराएगी भारतीय टीम, और उस पर पूरा भरोसा हमें है। दुबई में शाम को 7:30 बजे से यह मैच शुरू होगा। दुनिया भर की निगाहें इसी मैच पर टिकी हुई है। हालांकि इससे पहले भारत ने दो अभ्यास मैच खेले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन आज का मैच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उतना ही ज्यादा दिलचस्प। तो वहीं छिंदवाड़ा में भी खिलाड़ी, बच्चों और युवाओं में टीम पाकिस्तान के बीच को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। युवा खिलाड़ी टीम इंडिया का नारा लगाकर चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज सबको यह विश्वास है कि टीम पाकिस्तान को एक बार फिर से मैदान में धूल चटाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए। सालों के बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, UAE में ये मैच होने जा रहा है। विराट कोहली जो है भारत की कप्तानी करने जा रहे हैं, और ये बात तय है कि भारत जो है आज पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में धूल चटाने जाने वाला है। ये तमाम जो बच्चे हैं ये छिंदवाड़ा के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आने वाले समय में जरूर जो है छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। इस तरफ एक लड़का है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी जो है काफी अच्छा खेलता है, और ये सब बच्चे जो है आप देख सकते हैं इंडिया की जर्सी पहनकर यहां पर खड़े हुए। एक लड़की भी यहां पर मौजूद है, मैं सबसे पहले इनसे जानता हूं, ये बताइए क्या फीलिंग है आपके अंदर आज भारत को लेकर और हमारी क्रिकेट टीम को लेकर? आज इंडिया जीतेगा और पाकिस्तान को धूल चटाएगा। आप बताओ क्या लगता है आपको? आफ्टर ऑल ये सबसे बड़ी राइवलरी है वर्ल्ड क्रिकेट की, तो सब साथ में सपोर्ट करेंगे इंडिया को। आप बताओ आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडियन क्रिकेट टीम में? विराट कोहली। विराट कोहली, तो विराट कोहली आज जिताने वाले हैं हमारे को लगता है? यस सर। एक बार चिल्लाओ इंडिया 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 इंडिया। देखिए बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं इनके अंदर बेहद ज्यादा जोश है, ये क्रिकेटर हैं सारे के सारे, और इनका कहना है कि आज जो है भारतीय टीम पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में जरूर पराजित करेगी। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। तो भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से भिड़ने वाला है, और इस जोरदार भिड़ंत को देखने के लिए लगभग 28 महीने बाद भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी आमने सामने होंगे। इस मैच को देखने के लिए करोड़ों हिंदुस्तानी अपनी टीम इंडिया को जिताने के लिए चेयर अप कर रहे हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। देर शाम जैसे ही क्रिकेट शुरू होगा ठीक 7:30 बजे, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में लोग टीवी के सामने बैठ जाएंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखना हर व्यक्ति की चाहत होती है। जो क्रिकेट में रुचि नहीं भी रखता वो भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को जरूर देखना चाहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज युद्ध है, भारत और पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला है, लेकिन ये महामुकाबला सेना के जवान नहीं बल्कि क्रिकेट के वो खिलाड़ी खेल के मैदान में करेंगे जो पाकिस्तान को अब तक हराते आए हैं कई बार, और आज फिर खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया।
हमारे साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के युवा खिलाड़ी हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये भारत टीम करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। सुबह से ही उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर चीयर अप किया और भारत की टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं ये एक बड़ी बात है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि भारत का आज मुकाबला एक बार फिर लगभग 28 महीने बाद जो भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्या देखते हैं? वर्ल्ड कप एक बार फिर से आएगा? वर्ल्ड कप जरूर इंडिया के हक में ही आएगा, और आज का मुकाबला जो है हम लोग हर हालत में जीतेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप की ओर अग्रसर है, हम जानना चाहेंगे रणजी खेलने वाले खिलाड़ी से कि किस तरीके से वह टीम इंडिया को चीयर अप करेंगे। जैसे कि इंडिया ने हर बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है, वो आज तक नहीं जीत पाए, तो एक साइकोलॉजिकल उनके ऊपर प्रेशर रहेगा जिनका हमको भरपूर फायदा मिलेगा, और आने वाले समय में भी मेरे लगता है पाकिस्तान कभी इंडिया से वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाएगी। तो ये थी बात कि टीम इंडिया से जीतना नामुमकिन है। तो जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्रिकेट खिलाड़ियों में उत्साह है, खुमार है, और ठीक 7:30 बजे सभी लोग मैदान छोड़ देंगे, शहर और कस्बे खाली हो जाएंगे, सड़कें सूनी हो जाएगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच हो और सड़कें खाली ना हो ये हो ही नहीं सकता। भले ही क्रिकेट में रुचि ना हो, लेकिन इसके बावजूद लोग भारत और पाकिस्तान के मैच को छोड़ते नहीं है। तो एक बार फिर हम चीयर अप चाहेंगे। खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर। शोर जज्बा और हो भी क्यों ना, भारत और पाकिस्तान का मैच जिसको लेकर हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसको लेकर एक बार फिर से जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। हालांकि जीत किसकी होती है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन अभी से जीत के जयकारे लगते हुए कम से कम भारत में तो देखे ही जा रहे हैं, और इसी को लेकर अब खास चर्चा हम करेंगे, जहां पर क्या कुछ समीकरण इस पूरे मैच में बनेंगे उसको लेकर बातचीत होगी। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिंतन बाकीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा दीपक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत स्वागत है। शुरुआत में चिंतन जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, सबसे पहले तो जीत के जज्बे के लिए थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, क्योंकि आज हर कोई जयकारे लगा रहा है, जीत के नारे लगा रहा है, लेकिन आज फॉर्म में कुछ हो जाए जज्बा मैदान में भी देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अगर आवाज मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब गौरवान्वित है, हमको गर्व है दैट वी आर ऑल एंड वो और आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक एपिक मैच देख रहे हैं। सबके सब पूरा दुनिया देश ये दुनिया में जानती है और क्रिकेट लवर्स हैं, हम सब देखने वाले हैं। और मैं सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं एक प्लेबैक सिंगर भी हूं और आर्टिस्ट भी हूं, और मैं अभी बंबई आया हुआ हूं, यहां मैदान में भी देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अगर आवाज मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब गौरवान्वित है, हमको गर्व है दैट वी आर ऑल एंड वो और आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक एपिक मैच देख रहे हैं, सब पूरा दुनिया देश ये दुनिया में जानती है और क्रिकेट लवर्स हैं, हम सब देखने वाले हैं। और मैं सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं एक प्लेबैक सिंगर भी हूं और आर्टिस्ट भी हूं, और मैं अभी बंबई आया हुआ हूं, यहां के लिए जज्बे पे हम सब मिलके कहीं ना कहीं एक प्रे करें, प्रार्थना करें, और प्रार्थना तो हमको करना ही है, लेकिन हम सब विश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि टीम इंडिया फिर से आज इतने जबरदस्त छक्के लगाकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली है। और मैं उसके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि
जैसा कहा जाता है कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी टीम हो, हमारी टीम इंडिया गाती है कि देखें जरा अरे किस में कितना है दम, जम के रखना कदम टीम इंडिया के लिए मेरे साथिया, देखें जरा हे हे अरे किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। तो वी ऑल लव टीम इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू आवर टीम, भारत माता की जय। बिल्कुल भारत माता की जय। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जमकर रखना कदम, डगमगाए नहीं, ताकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान न डगमगाए, क्योंकि पिछले कई मैचेस में भारत ने बड़ी टीमों के खिलाफ खेला है और एक अनुभव यहाँ पर बॉइनी पॉइंट कहीं ना कहीं ब्राउनी पॉइंट्स भारत के लिए होने वाला है। विवेक जी किस तरीके से आप देख रहे हैं, एक गाना थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए भी हो जाए, देखिए बराबरी का मुकाबला होना चाहिए, बराबरी में हम भरोसा करते हैं। बिल्कुल, मैं अपना गाना जो है वो अगर बराबरी का हो तो मुकाबले में और भी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है। मैं जिसका अंजाम लिख रहा हूं उसका आगाज बस कुछ ही देर में हो जाएगा, और आज हमारी टीम का हर एक खिलाड़ी मैदान में इंकलाब लेकर आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूं टीम इंडिया की चीयर करने के लिए और पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि हम भारतवासी इस मैच को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, और जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डेफिनेटली हम ये मैच जीतने जा रहे हैं। आपने गाया और वो कहते हैं कि देश है अब सोनों का गहना, क्योंकि बहुत ज्यादा समझना इसके पीछे के अर्थ को भी जरूरी है, और अब तक बखूबी भारतीय टीम ने इसको बनाए रखा है। क्योंकि बात अगर चिंतन जी हम आंकड़ों की करते हैं तो पेपर्स पर कम से कम, स्कोरबोर्ड पर कम से कम, अभी तक किसी भी वर्ल्ड कप में चाहे वो 50 ओवर का हो, T20 हो, पाकिस्तान काबिल नहीं हो पाया भारत को हराने के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हालांकि पाकिस्तान ये खुद भी मानता है, कई बार हमने सुना भी है कई बार खिलाड़ियों से भी कि पता नहीं हमको क्या होता है जब टीम इंडिया के खिलाड़ी जब सामने कोई वर्ल्ड कप लेवल के कोई टूर्नामेंट में सामने आते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन कई बार वो टक्कर भी पाकिस्तान देता है, और जब वो टक्कर देता है तब मुझे अपनी टीम इंडिया की तरफ से एक कुछ पंक्तियां फिर याद आ रही है कि नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, अरे हारी बाजी को जीतना टीम इंडिया को आता है, अरे निकले हैं मैदान में जिस दिन हम झूम के धरती डोलेगी ये गगन चूम के, हाँ नहीं समझे हैं पाकिस्तानी तो क्या जाता है, अरे हारी बाजी को जीतना हमें आता है टीम इंडिया को आता है। बिल्कुल चिंतन जी, इट्स हाई टाइम कि अब पाकिस्तानी ये समझें कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है स्कोर बोर्ड का बदलना, इतिहास को बदलना। लेकिन विवेक जी, जैसे कि बाबर आजम बहुत युवा हैं, T20 के सबसे सफल बल्लेबाज भी हैं वो पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप या फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत के सामने अभी तक वो आए नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत जबरदस्त है। मैं चाहूंगी कि कुछ आप उनके लिए भी गुनगुना दें कि भारत के सामने वो आ तो रहे लेकिन बहुत सोच समझ के आए। देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, तो मुझे वो ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं, कॉन्फिडेंट तो हमारी टीम है, तो उनके लिए ये गाना। कुछ करिए नस नस में होरे, कुछ करिए
बिल्कुल आज इंडिया को चखना ही होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि चख दे इंडिया हो। लेकिन चिंतन जी, जैसा कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने हालांकि मजाकिया लहजे में जरूर कहा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत को जीतने से रोकना है तो तीन चीजें करनी होगी। एक तो भारतीय खिलाड़ियों को नींद की गोलियां दे दे पाकिस्तान, दूसरा इंस्टाग्राम से विराट कोहली को थोड़ा दूर कर दे ताकि वो फैंस जो हैं वो थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फील करें, और साथ ही तीसरा कि महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर उतरने ना दिया जाए। तो वो जो डर है, एक बार फिर से कुछ गुनगुनाकर उसे जाहिर जरूर कीजिए कि पाकिस्तान इस वक्त कितना डरा हुआ होगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये उनका फोबिया है, जिससे कि वो सोशल साइट्स और डिजिटल चीजों से वो इंडिया की टीम को और प्लेयर्स को दूर करना चाह रहे हैं, जबकि ये कोई भी चीज मायने नहीं रखती। एट द एंड ऑफ द डे आपकी परफॉर्मेंस मायने रखती है। तो मैं अपनी टीम इंडिया के लिए यही कहूंगा कि वो बिल्कुल भी अपने मन को मजबूत रखें और कॉन्फिडेंस रहें, उन कॉन्फिडेंट रखें अपने आप को, और वो पूरे माहौल को, पूरे सीन को बदल देंगे। मैं किशोर दा का एक बहुत सुंदर सा गीत है जो एक इंस्पिरेशन के रूप में मैं टीम इंडिया के लिए देना चाहता हूँ। गुनगुना के महेंद्र सिंह धोनी के लिए कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग चाहते हैं, कुछ उनके लिए गुनगुना दीजिए अपने स्टाइल में। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ धोनी MSD, ओ टीम इंडिया MSD, ओ राही, ओ क्रिकेटर्स, माय ऑल प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे हमको वर्ल्ड कप के नजारे, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के नजारे। देखिए बहुत खूबसूरत है कि अपने अंदाज में आप जिस तरीके से मॉड्यूलेट कर रहे हैं और टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जज्बा अपने शब्दों के जरिए जो गुनगुना के बढ़ा रहे हैं, वो अपने आप में आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है चिंतन जी। साथ ही दीपक जी, मैं आपसे चाहूंगी कि चलिए MS धोनी के लिए तो इन्होंने अपने स्टाइल में कुछ गुनगुना दिया, लेकिन विराट कोहली ने भी एक लंबा अरसा भारतीय टीम के साथ वो रहे हैं और आखिरी टूर्नामेंट उनका होने वाला है एज ए कैप्टन, तो उनको कुछ डेडिकेट आप अपने स्टाइल में जरा हो जाए थोड़ा सा। बिल्कुल सुनो बात सुन। सुनो और से दुनिया वालों, कोई नजर ना हम पे डालो, चाहे इतना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो और से दुनिया वालों, कोई नजर ना हम पे डालो, चाहे इतना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। इस गाने के
मैं मैसेज देना चाहूंगा पाकिस्तानी टीम को कि रवि शास्त्री, विराट कोहली और एम एस धोनी को होनी कर रहे, धोनी को जमा होती है। बिल्कुल, हमने कहा है तुम भी कहो और ये पाकिस्तान को जरूर कहना होगा कि आज जो है जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया ही जीतेगा। लेकिन चिंतन जी, क्रिकेटर्स के लिए हम गा रहे हैं, तमाम बड़े खिलाड़ियों के लिए गा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी हमने जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए कुछ गुनगुनवाया आपसे, फैंस के लिए कुछ हो जाए। देखिए फैंस इतना कुछ कर रहे हैं और आपको तो पता है कि देवी देवताओं की तरह हमारे देश में क्रिकेट को पूजा जाता है, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ नहीं करते फैंस, उनके लिए थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए अपने स्टाइल में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं जो हमारे फैंस है पूरे पूरे थ्रू आउट इंडिया और हमारे भारतीय जितने भी पूरी दुनिया के अंदर हैं, इस वक्त आज सबकी आंखें टेलीविजन सेट्स पे गड़ी हुई हैं और इंतजार ही है, बस काउंटडाउन चल रहा है कि बस कब वो घड़ी आए और हम पहली बॉल और पहली बैटिंग सब हम देखें। तो मैं बस यही हमारे सब फैंस की तरफ से कहूंगा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, जीतेंगे हम मैच आज, आज ही के दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम खेलेंगे साथ साथ, हम देखेंगे साथ साथ मैच का ये दिन। ओ हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, टीम इंडिया जीतेगी आज के दिन। बिल्कुल, हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब, हर दिन होंगे इनफैक्ट, और पिछले लंबे अरसे से होते चले आ रहे और आज भी होंगे। लेकिन दीपक जी, जिस तरीके से हमने कहीं ना कहीं खेल पर फुल स्टॉप लगते हुए देखा है, मैं बात कर रही हूँ कोरोना काल की, जब न सिर्फ क्रिकेट बल्कि तमाम खेलों को बंद कर दिया गया, फैंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन एक बार फिर से खेल जब रिज्यूम हुआ है, जैसे कि हाल ही में हमने आईपीएल को भी सक्सेसफुली एंड होते हुए देखा और अब टी20 वर्ल्ड कप, इट्स इन यू नो ट्रीट टू एन आई, तो इसके लिए कुछ आप गुनगुनाना चाहें कि एक उस मौजूदा जो परिस्थितियां थी उस दौर में, वहां से निकलकर हम मौजूदा परिस्थितियों में हैं जहां पर हम उस खेल की खूबसूरती को और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के नजारे को देखने के लिए जो आंखें तरस गई थी वो नजारा एक बार फिर से देखने को मिलेगा, इस समय के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे फैंस बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से हम दो, जो एक राइवलरी है हमारी पाकिस्तान की, वो मैच फिर से होने जा रहा है, तो हम सपोर्टर्स अपनी टीम के पीछे खड़े हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो अपने लेवल का जो उनका एक स्टैंडर्ड है उस लेवल पे परफॉर्म करेंगे और जैसा कि जीतते आए हैं ये मैच भी जीतेंगे। तो हम फैंस अपनी टीम को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, और आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। बहुत शुक्रिया, देखिए मैं चाहती हूं कि इसे कंटिन्यू करूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपने तरीके से आपने न सिर्फ खिलाड़ियों का हर्षोल्लास को यहां पर बढ़ाया बल्कि फैंस को भी अपने तरीके से गाने डेडिकेट किए, लेकिन चूंकि समय की कमी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान पर विराट स्ट्राइक कितनी बड़ी होती है उसमें कुछ समय जरूर है, लेकिन फिलहाल जो जज्बातों का ये पूरा गेम होने वाला है उसमें जो हर सिक्सर बाउंड्री के पार जाएगा वो स्कोरबोर्ड पर रनों को नहीं बढ़ाएगा बल्कि हम सभी के दिल की धड़कनों को जरूर बढ़ाएगा, और वो नजारा देखने के लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार उसका कर रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।